देश के पहले गृह मंत्री लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज जिले में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों, छात्रों एवं पुलिस के रंगरूट जवानों ने सोनभद्र डाइट परिसर से जिला कलेक्ट्रेट तक 2 किलोमीटर तक दौड़ लगाई। इसके माध्यम से देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचते ही अधिकारियों, छात्रों और पुलिस जवानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उनके पद चिन्हों पर चलने का दृढ़ निश्चय लिया। शासित इंकलाब का भाग बने, आओ साथ चलते हैं। शासित प्रवाह का नजारा है जनाब, शासित प्रवाह का नजारा है, आओ साथ चलते हैं। दिव्य भारत की ज्योत में आओ साथ चलते हैं, कि दिव्य भारत की ज्योत में आओ साथ चलते हैं, अतुल्य अनुपम रीत में आओ साथ चलते हैं। आप सभी को आदित्य सागर तिवारी का अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे SDM 31 अक्टूबर आप सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती, इस दिन को राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे उसके इतिहास के बारे में अभी कप्तान साहब ने आप सबको अवगत कराया कि आज के दिन ये हमें याद करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है, क्योंकि है कि एक दूसरे की ना भाषा समझ पाते हैं, ना इनका जो कल्चर है, जो खाने की जो कुजीन है, कोई मिलता जुलता नहीं है। अभी आप लोगों को बहुत ढेर सारी चीज़ें बताई गई, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बताने को कुछ है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय बहुत ढेर सारी रियासतें थी, हर रियासत के अलग अलग राजा थे, अलग अलग जमींदार थे, और जो विभाजन हुआ उसकी रूपरेखा ऐसी बनी कि उनको स्वतंत्रता दी गई थी कि वो भारत या पाकिस्तान किसी भी एक देश के साथ जो अलग हुए थे, दोनों देश बनाए गए थे, उनके साथ सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे में ज़्यादा समस्याएं आई, कुछ लोग ऐसे थे, कुछ रियासतें ऐसी थी जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी। ऐसे समय में जो सूझबूझ दे करके जितने जयंती को राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में मनाया जाता है, आज के दिन सभी सरकारी कार्यालय में ये शपथ लिया जाएगा और उन्होंने जो देश के लिए अपने जो योगदान दिया, और जैसे ये आज़ाद के बाद ही देश कितने टुकड़े में थे और उसको एक साथ जोड़ने कैसा लाया गया, इसको याद किया जाएगा और इसी से संबंधित कार्यक्रम वगैरह कुछ भी, पुलिस की ओर से भी कई सारे कार्यक्रम आज प्रस्तावित है, उसके बारे में भी करना चाहूँगा डिटेल। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।